सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हो आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल ऐड करना, और दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल ऐड नहीं कर पाते हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल ऐड कर पाएंगे। दोस्तों काफी सारे नए यूट्यूबर यूट्यूब पर जब आते हैं तो उनको अपने वीडियो पर थंबनेल ऐड नहीं करने आता, और जब वो ऐड करने जाते हैं तो उनको काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने वीडियो पर थंबनेल को कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन। दोस्तों आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन से जाकर आप जैसे ही थंबनेल लगाइएगा तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बोल रहा है कि आपको अपने YouTube चैनल को फोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए। तो दोस्तों आपको अपने चैनल को फोन नंबर से वेरीफाई करना, यानी आपका जो YouTube चैनल है उसको फोन नंबर से कैसे वेरीफाई किया जाता है, यही चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने चैनल को फोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली दोस्तों आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों इस 3 डॉट पे क्लिक करके यहां से डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको सिंपली YouTube सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप YouTube सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल कंप्यूटर के तरह इसका इंटरफेस रहेगा। तो दोस्तों अब आपको यहां से क्या करना है, राइट कॉर्नर में आपके चैनल का लोगो दिखेगा, दोस्तों यहां से देख सकते हो। तो दोस्तों इस चैनल पे आपको क्लिक कर देना, यानी दोस्तों इस लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से वो YouTube स्टूडियो जो आपको लिखा हुआ है दोस्तों इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों इसमें से आप दो ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप प्रीव्यू पेज पर क्लिक कर सकते हैं या फिर ओपन इन न्यू टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रीव्यू पेज पर क्लिक कर देता हूं, उससे क्या होगा दोस्तों इसी पेज में वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है कुछ इस तरीके का YouTube स्टूडियो खुल जाएगा। तो दोस्तों आप यहां से तो वीडियो अपलोड किए रहिएगा, लेकिन दोस्तों मैं अभी इस पर वीडियो अपलोड नहीं किया हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं YouTube वीडियो पर थंबनेल ऐड करूंगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट कॉर्नर में दोस्तों आपको यहां नीचे देख सकते हो यहां एक सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों सिंपली आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहां से देख सकते हो नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला। तो दोस्तों आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको यहां चैनल का ऑप्शन दिखेगा, राइट लेफ्ट कॉर्नर में दोस्तों आपको ये चैनल का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। दोस्तों फीचर एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से आपको देख सकते हो एक एलिजिबल बता रहा है और एक इनएलिजिबल बता रहा है। तो दोस्तों इसको एलिजिबल करने के लिए क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहां आपको देख सकते हो फोन मतलब वेरीफाई फोन नंबर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो वेरीफाई फोन नंबर वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि दोस्तों न्यू मतलब टैब में ये आपको ओपन करेगा। तो दोस्तों यहां से आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, जो कि दोस्तों ये ऑलरेडी सिलेक्ट है इंडिया। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपना मोबाइल नंबर यहां से डाल देना है और गेट कोड पर क्लिक कर देना है। सो गाइस, चलिए यहां से मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट कोड पर क्लिक करता हूं। सो गाइस, यहां से मैं गेट कोड पर क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि दोस्तों यहां आपको डालकर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहां से देख सकते हो मैं इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और यहां से मैं सबमिट कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करोगे तो दोस्तों आपका जो फोन नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको फिर से अपने मोबाइल में YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है जिस वीडियो पर आपको थंबनेल लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहां आपको पेंसिल वाला आइकन आपको दिख रहा है, सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों फिर से आपको ये जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है दोस्तों सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहां आपको कस्टम थंबनेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कस्टम थंबनेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपने गैलरी से एक थंबनेल आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो कि दोस्तों इसका रेशियो होता है 16:9 का।
तो दोस्तों इस रेशियो में जो आपका थंबनेल बना होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको ऊपर डन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली दोस्तों आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके वीडियो पर ये जो थंबनेल है वो लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, YT Studio एप्लीकेशन को। उसके बाद दोस्तों आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना है फोन नंबर से। उसके बाद दोस्तों आपको YT Studio एप्लीकेशन में आना है और आपको अपना थंबनेल ऐड कर देना है। सो गाइज यही प्रोसेस है जो कि आपको करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप इसे इजिली कर सकते हो। सो गाइज कुछ इसी प्रकार से आप अपने YouTube वीडियो पर थंबनेल लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।